डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम पेट्रोमाइजन के हैबिटाट और जो साइलेंट फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। पेट्रोमाइजन का सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन जो है क्लासिफिकेशन में किस तरीके से है। हम बात करते हैं किंगडम की कि एनिमेलिया किंगडम के अंदर है और फाइलम इसका कोर्डेटा है क्योंकि इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। कोर्डेट के जो प्राइमरी लक्षण है नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये इसके अंदर विद्यमान होती है। क्लास इसकी साइक्लोस्टोमेटा है। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब है कि इसका जो मुख है वो वृत्ताकार राउंड शेप होता है और जो माउथ है वो सेक्टोरियल प्रकार का होता है, चूसन प्रकार का मुख पाया जाता है, इसलिए इसको क्लास साइक्लोस्टोमेटा में रखा गया है। ऑर्डर पेट्रोमाइजोन्सी फॉर्मेस है। पेट्रोमाइजोन्सिया जिसके अंदर आती हैं वो, इसलिए इसको ऑर्डर पेट्रोमाइजोन्सिया में रखा गया है। जीनस इसका पेट्रोमाइजोन है और स्पीसीज जो है पेट्रोमाइजोन मैरिनिस है। हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के कि कहाँ कहाँ पे इनका वितरण होता है। तो पेट्रोमाइजोन जो है उसका वितरण पूरे वर्ल्ड वाइड है, पूरे विश्वव्यापी है और ये फ्रेश वाटर और जो साल्टी वाटर है दोनों ही प्रकार के वाटर के अंदर जो है पाई जाती है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, वेस्ट अफ्रीका, जापान, चिली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया के अंदर इनका वितरण पाया जाता है। हैबिट्स एंड हैबिटाट यानी कि स्वभाव और आवास इनका किस प्रकार का होता है। तो पेट्रोमाइजोन जो है एक तो दोनों ही प्रकार के जल के अंदर रहती है, फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है और मैराइन वाटर के अंदर भी पाई जाती है। इनकी जो लार्वल स्टेज है उसको एमोसिट लार्वा कहा गया है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है और सीडेंट्री प्रकार का होता है यानी कि एक ही स्थान पर रहने वाला, और उनमें जो भोजन ग्रहण करने की जो विधि होती है फिल्टर फीडिंग के द्वारा जो है निस्यंदन भोजन जो है ग्रहण करता है, और जो एम्फियोक्सस का जिस प्रकार से फीडिंग बिहेवियर है सेम लाइक जो है एमोसिट लार्वा का भी उसी प्रकार का बिहेवियर होता है। इनके कुछ एडल्ट जो होते हैं फ्रेश वाटर में भी जो है सर्वाइव करते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और एक्टोपैरासाइट के रूप में जो है फिशेज और टर्टल के रूप में पाए जाते हैं, बाह्य परजीवी के रूप में जो है ये पाए जाते हैं। द लैम्प्रे जो होती है वो कार्निवोरस होती है और समटाइम्स ये जो है वो अर्ध परजीवी के रूप में भी पाई जाती है। इनमें जो ये ट्रू प्रीडेटर के रूप में यानी कि जो परभक्षी हैं उनके रूप में ये जानी जाती है। तो ये अपने प्रेय को जो है यानी शिकार को खुद पकड़ती है। जो मछलियां और टर्टल्स हैं या कछुए हैं उनके ऊपर ये अटैक करती है और इनमें जो सर्कुलर माउथ होता है उसके अंदर रेस्पिंग टंग भी इसकी पाई जाती है जिसके द्वारा ये अपने शिकार से भोजन को ग्रहण करती है। इनमें प्रमुख रूप से जो बकल फनल है यानी कि जो माउथ इसके अंदर होता है एक निर्वात पंप की तरह कार्य करता है और उसके अंदर हॉर्नी टीथ या श्रृंगी दांत इसके अंदर पाए जाते हैं जिससे ये जो परपोसी है उसकी त्वचा को रेतता है और उससे भोजन प्राप्त करता है। लैम्प्रे प्रमुख रूप से जो है वो समुद्र और से नदियों की तरफ जो है माइग्रेट करती है। अंडे देने के लिए नदियों में जाती है और जब ये नदियों में प्रवास करती है तो उस समय ये भोजन ग्रहण करना बंद कर देती है क्योंकि इनमें जो फैट डिपॉजिट होती है बॉडी के अंदर उस फैट डिपोजिशन का ही ये उस समय प्रवास के समय ये काम में लेती है। ज़्यादातर प्रवास जो होता है बसंत ऋतु में होता है और जो ब्रीडिंग टाइम जो इसका होता है सेक्सुअली मैच्योरिटी जो आती है वो विंटर के अंदर आती है। ये देखा गया है कि प्राय पेट्रोमाइजन अंडे देने के बाद में मर जाती है। इनमें जो लवणीय जातियां हैं यानी कि मैराइन वाटर के अंदर जो जाति पाई जाती है जिसको हम पेट्रोमाइजन मैराइनिस कहते हैं वो अंडे देने के लिए नदियों में कुछ किलोमीटर तक जाती है और इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये जो नदियां हैं उनमें अपने नेस्ट बनाती है। कुछ जो प्रजाति होती है वो नदी के तल के ऊपर जो है रेत के अंदर अपना बिल नेस्ट बनाती है, वहाँ अंडे देती है।
लार्वा जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एमोसिट लार्वा होता है फ्रेश वाटर का लार्वा होता है, और उसमें जो बरोविंग होता है बिल बनाकर रहता है, और सीलियरी फीडर होता है जैसा मैंने आपको अभी बताया था। ये जो लार्वा होता है वो ब्रैंकियोस्टोमा से बहुत अत्यधिक जो है समानता रखता है। ये डायग्राम आप देखते हैं कि ईल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि हम इनको ईल भी कहते हैं, लंबा जो बेलनाकार जो शरीर का आकार होता है, इलोंगेटेड रहता है, यानी कि लंबा बेलनाकार और ईल के समान शरीर इसका पाया जाता है। पेट्रोमाइजोन जो मेराइनिस होते हैं, यानी कि उनको हम सी लैम्प्रे भी कहते हैं, तो 1 मीटर के करीब इनकी लंबाई होती है। जो लैम्प्रे फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है, यानी कि लैम्प्रेटा फ्लाविटेलिस और जो कॉमन जिसको हम फ्रेश वाटर लैम्प्रे कहते हैं, उसकी लंबाई जो होती है 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और जो सेंट के अंदर पाई जाती है, यानी कि फ्रेश वाटर लेसर फ्रेश वाटर लैम्प्रे होती है, उनकी जो लंबाई होती है 45 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं इसमें आगे की तरफ हम देखते हैं तो इसमें जो माउथ होता है इस प्रकार का बकल फनल उसके अंदर पाया जाता है। अग्र सिरे पर हेड और उसी के पास में आंखों के मध्य में नोस्ट्रिल पाया जाता है। नासा छिद्र जो होते हैं दोनों तरफ, एक तरफ लेटरल आई जिसके अंदर पाई जाती है, लेटरल लाइन ऑर्गन जिसमें सेंसरी के रूप में या संवेदी ऑर्गन के रूप में लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है। पेयर्ड फिन इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं, डोर्सल फिन इसके अंदर पाए जाते हैं जो 2 भागों के अंदर बटे हुए रहते हैं, फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकंड डोर्सल फिन। बॉडी क्लियर कट डिविजिबल नहीं होती है, लेकिन इसमें हेड ट्रंक और जो टेल वाला रीजन है उसके अंदर 3 भागों के अंदर बॉडी डिवाइड रहती है। डोर्सल फिन, फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकंड डोर्सल फिन इनकी डोर्सल सरफेस पे होते हैं, और पीछे की ओर जो कॉडल फिन है वो पूंछ वाले रीजन में पाया जाता है, जो कि 2 भागों में विभक्त जो है रहता है। नीचे की ओर इसमें ट्रंक और टेल वाले रीजन के मध्य में एनस और यूरिनोजेनाइटल पेपिला पाए जाते हैं। कलर की बात हम करते हैं तो जो पेट्रोमाइजन है उसका रंग जो होता है डोर्सल सरफेस पर ये ग्रीनिश ब्राउन कलर का होता है या ब्लू कलर का होता है, और जो वेंट्रल सरफेस होती है उसमें ये वाइट कलर का होता है। स्किन इनकी जो होती है ग्लैंडुलर होती है, चिकनी होती है, और इसके अंदर स्केल्स जो होते हैं वो एब्सेंट पाए जाते हैं। बॉडी का डिवीजन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेड ट्रंक और टेल रीजन के अंदर डिवाइड रहता है, लेकिन क्लियर कट जो है डिमार्केटेड नहीं होता है। हेड और जो ट्रंक वाला रीजन है वो बेलनाकार होता है, जबकि जो टेल वाला रीजन है वो पार्श्वी रूप से संपीड़ित पाया जाता है। इसके अंदर जो फिन्स होते हैं पेयर्ड फिन जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि पेयर्ड फिन जो एब्सेंट रहते हैं। मीडियन डोर्सल फिन जो होता है वो 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड रहता है, और जो पोस्टीरियर एंड है उसके जस्ट पास में स्थित रहता है। कॉडल फिन जो होता है वो टेल के चारों तरफ कंटिन्यूस लेयर के रूप में पाया जाता है पोस्टीरियर रीजन के अंदर, और इसमें जो फिन्स होते हैं एक थिन कार्टिलेज और फिन रेज के द्वारा सपोर्टेड रहते हैं। इनमें जो फिन होते हैं कॉपुलेटरी जो पेपिला मेल के अंदर पाई जाती है उसको ये फिन ढके हुए रहते हैं। बात करते हैं हम आइज की, कि इसके अंदर लेटरल आइज दोनों तरफ जो है हेड वाला जो रीजन है आगे वाला, जैसा मैंने आपको डायग्राम में बताया था, जो हेड वाला रीजन है उसके दोनों पार्श्व सतह पर दोनों तरफ एक एक आई पाई जाती है, यानी कि एक आई पेयर पाया जाता है जिसके ऊपर कोई आईलिड्स नहीं पाई जाती है, यानी कि जो पलकें होती हैं उनका अभाव होता है, और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट स्किन का कवर जो है पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो अपर्चर हैं या छिद्र हैं मुख के ऊपर वो कौन कौन से छिद्र इनके ऊपर पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले जो बात करते हैं माउथ की, क्योंकि आगे की तरफ जो शीर्ष भाग में जो है मुख पाया जाता है, और वो उसमें जो बकल फनल पाया जाता है और उसके ऊपर एक कार्टिलेज का आवरण इसके अंदर पाया जाता है। नोस्ट्रिल जो होते हैं नासा छिद्र जिसको हम कहते हैं, नासा छिद्र भी जो है इसमें नेजोफेरिंजियल अप्रेसर जो होता है उसके मिड डोर्सली सतह पर, और जो हेड होता है
उसके बीच में दोनों आईज के बीच में जो है नोस्ट्रिल पाया जाता है। आईज जैसा कि आपको मैंने बताया कि आईज के पीछे की ओर इसमें एक्सटर्नल गिल स्लिट्स पाई जाती है, बाई गिल छिद्र इसके अंदर पाए जाते हैं। जो ट्रंक और टेल रीजन है उसमें वेंट्रल सरफेस पर एक स्लिट लाइक डिप्रेशन उसके अंदर पाया जाता है, जिसको हम क्लोएका कहते हैं। और क्लोएका जो होता है उसके अंदर जो पीछे की तरफ एक दरारनुमा छिद्र इसके अंदर पाया जाता है, जहाँ पे उसके शिखर भाग पर जो यानी कि क्लोएका का जो अग्र भाग है उस पर यूरिनोजेनाइटल पेपिला पाई जाती है, जिसमें जो मूत्र जनन छिद्र है या यूरिनोजेनाइटल एपर्चर है वो आकर खुलता है। और ये यूरिनोजेनाइटल एपर्चर जो होता है वो क्लोएका में जाकर खुलता है। इसके जस्ट सामने ही जो है जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी एनल एपर्चर के द्वारा क्लोएका में खुलती है। और जो एनस और जो मूत्र जनन छिद्र होता है ये दोनों ही चूँकि अलग अलग आकर दोनों सामूहिक रूप से जो है क्लोएका के अंदर खुलते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं एनस की, कि एनस जो है पीछे का और जो छिद्र होता है एनस वाला वो क्लोएका के जस्ट बाद वाला छिद्र होता है, जिसके द्वारा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाता है। इसमें कुछ सेंसरी पोर्स भी पाए जाते हैं, जो लेटर लाइन बॉडी जो होती है, और ये जो पार्श्व भागों पर जो है एक लेटरल लाइन सिस्टम होता है, उस पर कुछ अपर्चर उपस्थित होते हैं जिनका नेचर सेंसरी नेचर होता है। तो ये जो लेटरल लाइन सिस्टम होता है वो जो जब ये जलधारा के अंदर जब चलते हैं तो बॉडी उसके प्रति सुग्राही बन जाती है। तो ये सेंसरी जो पोर्स होते हैं या लेटरल लाइन सिस्टम है वो इसको धारा सुग्राही बनाने का कार्य करता है। मेल में एक इवर्सिबल पेनिस पाया जाता है पेट्रोमाइजन के अंदर। हम बात करते हैं इसके बकल फनल की या जो बकल कैविटी है उसमें, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि जो ये ए डायग्राम या पहले वाला जो डायग्राम है उसमें आप ये वेंट्रल व्यू है हेड का, जिसमें कि बकल फनल की जो पोजीशन है और जो माउथ के अंदर टंग का जो पोजीशन है वो आपको शो हो रहा है इसके अंदर। बीच में आप देख सकते हैं इसके अंदर कि जो सेंट्रल पार्ट इसके अंदर पाया जाता है ये वाला रीजन, यहाँ पे इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट्स इसके अंदर पाई जाती है। पीछे की ओर इसके अंदर जो टीथ का कवरिंग होती है उसमें लेटरल बाइकस्पेड टूथ जो होते हैं वो पाए जाते हैं। टंग जो होती है वो भी इसकी जगह रेस्पिंग प्रकार की, जैसा मैंने आपको बताया, तो जिसमें दांत लगे हुए रहते हैं, तो जब भी ये किसी एनिमल से चिपकती है तो उसको रेतने का काम जो है टंग टूथ का होता है। माउथ, ये माउथ इसके अंदर है। पीछे की ओर जो इसका बकल वाला रीजन है उस पर एक मार्जिनल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और ये मार्जिनल मेम्ब्रेन एक ओरल फिमरी के द्वारा घिरी हुई रहती है। दूसरा जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये इसका डोर्सल व्यू है। इसके अंदर जैसे आपको दिखाई दे रही है कि एक तो नेजल एपरेटस इसके अंदर पाया जाता है। नेजल एपरेटस जैसा मैंने आपकी अभी बताया था कि जो हेड वाला रीजन है उसमें दोनों लेटरल आइज के मध्य में नेजल एपरेटस पाया जाता है। ये लेटरल कंडीशन जो है दोनों आइज की लेटरल पार्श्वीय जो है कंडीशन आपको दिखाई इसमें दे रही है। तो ये इसके हेड रीजन का और जो बकल वाला रीजन है वो इसमें आपको दिखाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पेट्रोमाइजन है उसकी बॉडी वाल और मसल्स में किस प्रकार की होती है। तो जो बॉडी होती है इसकी स्किन जो है सॉफ्ट होती है। इसके जो एपिडर्मिस और डर्मिस दो पार्ट इसके अंदर होते हैं। तो जो एपिडर्मिस जो होती है उसमें बहुत अधिक जो है म्यूकस सिक्रेटिंग या यूनिसेलुलर ग्लैंड्स इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त भी इसमें दो अन्य प्रकार की जो सिक्रेटरी सेल्स होती है वो स्किन के अंदर पाई जाती है, जिनको हम ग्लैंडुलर सेल्स कहते हैं। और दूसरी जो होती है एलोंगेटेड क्लब सेल्स होती है, जो कि हाइलिन साइटोप्लाज्म इसके अंदर पाया जाता है, और ये भी जो एक स्लाइम का सिक्रेशन करने का कार्य करती है। एक लेयर जो इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स की होती है वो जस्ट एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है, जिसमें पिगमेंट सेल्स या क्रोमेटोफोर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। पिगमेंट सेल्स तारे के आकार की संरचना होती है, और ये
अलग अलग कंडीशंस के अंदर जो है अपनी आकृति चेंज कर सकती है। मसल्स जो उसके पाई जाती है वो ट्रंक रीजन और टेल रीजन के अंदर जो है मायोटोम्स के रूप में पाई जाती है, जो कि जिगजैग प्रकार की होती है। रेखित पेशियां भी इसके अंदर पाई जाती है। जो बकल फनल होता है वो उसका एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये एक जो डिप्रेशन होता है या खांच जो होती है नीचे की ओर, उसमें ये स्थित होता है। बकल फनल जो है एक मार्जिनल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है, घिरा हुआ रहता है, और इसके अंदर जैसा मैंने आपको डायग्राम में अभी बताया कि ओरल फिमरी और पेपिला इसके अंदर पाए जाते हैं। लोंगर इसमें सेंसरी सिराई जो होते हैं वो भी स्थित इसके अंदर होते हैं। बकल फनल जो होता है उसमें दांतों की रो पाई जाती है, जिसमें एपिडर्मल हॉर्नी टीथ जो होते हैं कार्टिलेज के बने हुए रहते हैं, और इनका जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्म के द्वारा जो ओरिजिन होता है, ये जो वर्टिब्रेट के जो टीथ होते हैं उनके समान नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें माउथ के अंदर एक नैरो सर्कुलेटिंग ओपनिंग पाया जाता है जो कि बकल फनल के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। लोकोमोशन जो लैम्प्रे के अंदर होता है, क्योंकि ये जल के अंदर अपनी जो मायोटोम्स होती है टेल रीजन और ट्रंक रीजन के अंदर, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है मायोटोम्स के अंदर मसल्स फाइबर के अंदर, तो जो कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये जलधारा में अपनी जो गति है उसको जो है एक प्रोग्रेसिव स्विमिंग के रूप में प्रदर्शित करती है। हम बात करते हैं इसके एंडोस्केलेटन की, कि एंडोस्केलेटन इसके अंदर कार्टिलेज से निर्मित होता है, और जो नोटोकोड है इसके अंदर बहुत कम विकसित जो है स्कल इसके अंदर पाया जाता है, और जो ब्रेंकियल बास्केट होती है वो एक्सियल स्केलेटन या अक्षितंत्र से बनी हुई होती है। थैंक यू।